गुड मॉर्निंग एवरीवन चलो बच्चे अभी तक हम कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा एक बार गो थ्रू करते हैं तीन कैटेगरीज थी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दो कॉन्ट्रैक्ट्स थे मेजर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटरी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड थे यूनिलेट्रल और बाइलेट्रल अच्छा कल हमने शुरू करे थे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन उसमें हमने दो कॉन्ट्रैक्ट्स बेटा भी डिस्कस करे थे एक्सप्रेस और इंप्लाइड आज हम इसमें थर्ड डिस्कस करेंगे जो कि है बेटा कॉन्ट्रैक्ट वैसे मैं अभी थोड़ा सा केस आपसे डिस्कस करूंगा क्वासी का लेकिन इस पे आगे पूरा एक चैप्टर हमें करना है तो बहुत डिटेल में तब बताऊंगा लेकिन फिलहाल एक्सप्लेन जरूर करूंगा आपको कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं और एक दो आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा चलो आ जाओ जरा बेटा हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेटा सी पॉइंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से समझना है बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या होते हैं सुनो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं पता है बेटा कई बार क्या होता है जरा सुनना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं जो रियल सेंस में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पता है कौन से होते हैं जो रियल सेंस में जो रियल सेंस में कॉन्ट्रैक्ट्स बेटा होते ही नहीं बड़ी काम की बात बताइए मैंने आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो रियल सेंस में अगर बिल्कुल लॉ के हिसाब से बात करोगे ना बेटा तो कायदे में तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है और मैं बताऊं क्यों नहीं होते ये कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ये ना कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करते ही नहीं है क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बिकॉज बिकॉज दीज कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दीज कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट फुलफिल असेंशियल एलिमेंट्स ऑफर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दीज कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट फुलफिल असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो ये कॉन्ट्रैक्ट असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करते हैं इसीलिए बेटा रियल सेंस में अगर बोलो ना लॉ की लैंग्वेज में तो कायदे में तो यह कॉन्ट्रैक्ट बेटा होते ही नहीं है दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे मैं आपको ना थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं बात सुनना मेरी ध्यान से जो मैं कहूंगा इमेजिन करो बेटा दो पार्टीज हैं दो पार्टीज हैं अब आपको ना एक बार बेटा अच्छी तरह पता है सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए बेटा आपने पढ़ा है पहले अग्रीमेंट का होना जरूरी होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं बनता जब तक पहले वो क्या ना हो अग्रीमेंट ना हो अच्छा अब बताओ ये अग्रीमेंट कैसे बनता है बेटा अग्रीमेंट बनता है ऑफर और एक्सेप्टेंस से मिलके जब एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उसके ऑफर को एक्सेप्ट करती है तब बेटा वो कहलाता है क्या अग्रीमेंट तो मेरी बात सुनो मैंने क्या कहा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है और अग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है तो बेटा अगर दो पार्टीज है ना ए और बी ए और बी तो एक पार्टी क्या देगी बेटा बताओ ऑफर और दूसरी पार्टी बेटा उस ऑफर को क्या करेगी एक्सेप्ट है ना तो एक पार्टी ऑफर देगी दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी तब बेटा ये क्या बनेगा अग्रीमेंट तब ये क्या कहलाएगा अग्रीमेंट एंड एंड इफ दिस अग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट तो अगर यह अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो बताओ बेटा यह क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा कॉन्ट्रैक्ट इफ एनफोर्सिएबल शॉर्ट में लिखा है मैंने इफ एनफोर्सिएबल बाय लॉ आप लोग पूरा लिख लेना तो अगर ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो बेटा ये क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा है ना नॉर्मली ऐसा होता है अब सुनो ध्यान से सुनना है मेरी बात अब पता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है सुनो ये तो नॉर्मली ऐसा होता है अब मैं बात करता हूं आपसे बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है देखो ध्यान से सुनना मेरी बात दो हैं ए और बी मैंने क्या कहा एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या देती है ऑफर और दूसरी पार्टी उसके ऑफर को क्या करती है एक्सेप्ट लेकिन मैं बताऊं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की बेसिक प्रॉब्लम क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में ना कोई पार्टी ऑफर देती नहीं है बेटा अब जब ऑफर ही नहीं दिया तो उसके एक्सेप्टेंस की तो बेटा बात ही नहीं आती ना अब सोचो ना ऑफर है ना ऑफर की एक्सेप्टेंस है इनफैक्ट मैं बोलू कई कई केसेस में तो ना ये दोनों पार्टी कुछ केसेस में तो ये दोनों पार्टी बेटा एक दूसरे को जानती भी नहीं है ये बिल्कुल स्ट्रेंजर्स होती है कई कई बार कई कई बार तो ये बिल्कुल स्ट्रेंजर्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेंजर्स होते हैं लेकिन पता है सुनो अब बात समझो मैंने क्या कहा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई पार्टी ऑफर नहीं देती है अब जब ऑफर नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं है इन ऑफर और एक्सेप्टेंस तो बेटा दूर की बात है कुछ केसेस में तो ये दोनों पार्टी एक दूसरे को जानती भी नहीं है पक्का लेकिन लेकिन बेटा लॉ प्रिज्यूम करता है लॉ क्या करता है बेटा प्रिज्यूम करता है लॉ प्रिज्यूम्स एक्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ उूम्स एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखो पहले फिर आपको समझाता हूं लॉ प्रज्यूम्स एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले इसे कॉपी करो फिर मैं आपको थोड़ा सा केस समझाता हूं अब मेरी ना बात जरा मैं कुछ यहां पर ना पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा उससे आपको ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की पूरी करेक्टरिस्टिक क्लियर होगी मेरी बात सुनो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई पार्टी ऑफर नहीं देती कोई पार्टी एक्सेप्टेंस नहीं देती अब ऑफर नहीं है एक्सेप्टेंस नहीं है इसका मतलब बेटा अग्रीमेंट ही नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए फर्स्ट एंड फोरमोस्ट शर्त यह थी बेटा अग्रीमेंट का होना जरूरी है इसका मतलब मैंने आपको सही कहा था वो चीज क्या ये रियल सेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है क्यों नहीं होता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है अग्रीमेंट को बनने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ना ऑफर होता है ना एक्सेप्टेंस होती है बेटा तो पहली बात नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस इन्हें रियल सेंस में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता मैं दोबारा बोल रहा हूं क्यों नहीं कहा जा सकता कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट चाहिए बेटा अग्रीमेंट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चाहिए और इन केसेस में ना ऑफर होता है ना एक्सेप्टेंस होता है अब बताओ ना ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है तो अग्रीमेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसे क्या बोला जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट है ही नहीं फिर भी बेटा इसे क्या कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो रियल सेंस में ना अगर आप मुझसे पूछो रियल सेंस में तो रियल सेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। बात समझ आई इनफैक्ट मैं अगर बोलू तो काफी केसेस में तो ना ये पार्टीज स्ट्रेंजर्स होती हैं दैट इज अन टू ईच अदर काफी केसेस में तो ये एक दूसरे को जानती भी नहीं है काफी केसेस में तो ये एक दूसरे को जानती भी नहीं है अच्छा आपको पता है ये लोग बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं इनका कोई इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का बेटा था ही नहीं इन्हें तो पता भी नहीं है कि जाने अनजाने में ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं ना चाहते हुए भी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं मतलब इनका नो इंटेंशन ऑफ एंट्रिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट इनका कोई इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का बचे नहीं था नो इंटेंशन ऑफ एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पता है लॉ मान के चलता है लॉ मान के चलता है कि आप चाहो या ना चाहो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है यानी लॉ प्रिज्यूम्स एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ मान के चल रहा है अज्यूम करके चल रहा है लॉ अज्यूम करके चल रहा है कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है प्रेज्यूम्स मतलब अज्यूम करके चल रहा है मान के चल रहा है करके चल रहा है कि आप चाहो या ना चाहो आपकी इंटेंशन हो या ना हो आप एक दूसरे को जानते हो या ना हो हम मानेंगे कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है तो एक बात समझना बेटा जो मैंने अभी तक आपको बात बताई है मैं पूरा एक समरी आपको देता हूं फिर एग्जांपल्स बताऊंगा सुनना ध्यान से बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ना रियल सेंस में रियल सेंस में बेटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है ना कॉन्ट्रैक्ट्स को बनने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है और अग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है लेकिन 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 इन में इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ना ऑफर होता है ना एक्सेप्टेंस होती है इनफैक्ट कई केसेस में तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानती भी नहीं है उनकी तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की उन्हें तो पता भी नहीं है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कौन मान के चल रहा है लॉ मान के चल रहा है कि बच्चे आप चाहो या ना चाहो आप दोनों एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो आपकी इंटेंशन हो या ना हो हम मान के चलेंगे कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है पक्का बात समझ आई कॉपी करो बेटा यहां तक फिर आपको एग्जाम्पल कराता हूं इसका तो ना ये चार पॉइंट्स पूरी करेक्टर स्टिक्स बताते हैं हमें ये चार पॉइंट्स पूरी करेक्टर स्टिक्स बताते हैं हमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की लिया सबने चलो बेटा आओ मैं आपको एग्जाम्पल से जरा केस समझाता हूं पूरा ध्यान से मेरी बात सुननी है एग्जाम्पल देखो बेटा मिस्टर ए ठीक है और यहां पर लिखना सपोज ये है कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है कोई लो बेटा बनाओ एग्जांपल करना शुरू करते हैं देखो बेटा ये मिस्टर है ना एक बायर है अब क्या हुआ बेटा जरा ध्यान से सुना अब आ रहा है गर्मी का मौसम ठीक है तो मिस्टर ए को गर्मी के मौसम के लिए अपने घर पे लगवाना था बच्चे एक एसी एयर कंडीशनर तो वो गया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे ठीक है अच्छा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे बताओ क्या परचेज करने गया वो एसी परचेज करने गया है ठीक है एसी परचेज करने गया है समझ आई बेटा अच्छा शॉपकीपर ने कहा एसी का प्राइस थर्टी थाउजेंड रुपीज होगा एसी का प्राइस थर्टी थाउजेंड रुपीज होगा ठीक है मिस्टर ए ने क्या करा जेब से चेक निकाला ठीक है और स्टोर को पे कर दिए थर्टी थाउजेंड रुपीज तो मिस्टर ए ने पे कर दिए थर्टी थाउजेंड रुपीज मिस्टर ए पेस रुपीज थर्टी थाउजेंड तो उसने उसी वक्त तीस हजार रुपए निकाले और पकड़ा दिए अब सुनना मेरी बात अब पता है मिस्टर ए ने क्या कहा मिस्टर ए ने कहा कि सर ये डिलीवरी कैसे होगी इस एसी की डिलीवरी कैसे होगी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ने कहा कि सर आप आप आए कैसे हैं ये कहा सर मैं तो टू व्हीलर से आया हूं तो टू व्हीलर पे एसी तो मैं नहीं लेके जा पाऊंगा आपको ये एसी मेरे घर पे डिलीवर करवाना पड़ेगा बात समझ आई अच्छा चलो ठीक है स्टोर वाले ने कहा कि सर हम डिलीवर करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है आप बस अब एक काम कर दो आप एक पेज पे ना अपने घर का आप एड्रेस आप लिख दो ठीक है आप सुनो मिस्टर ए ने क्या करा एक पेज पे अपने घर का एड्रेस लिखा और लिखा 75 फाइव भागीरथीपुरम सेवेंटी फाइव भागीरथीपुरम सेवेंटी फाइव भागीरथीपुरम ठीक है ये उसने एड्रेस लिख दिया और किसको पकड़ा दिया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर शॉप को पकड़ा दिया उसने उसने कहा सर इस एड्रेस पे ये एसी क्या करवा देना डिलीवर बस स्टोर वाले ने कहा सर आप पहुंचो एक घंटे के अंदर अंदर एसी आपके घर पे आपका डिलीवर हो जाएगा अब सुनो मेरी बात सुनना जरा ध्यान से अब ना ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाला था इसने बुलाया एक रिक्शा वाले को इसने बुलाया एक पर्सन मिस्टर बी को ये रिक्शा वाला है ठीक है ये बेसिकली क्या करता है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है रिक्शा वाला है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है ये गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है मिस्टर बी तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ने जो मैनेजर था वहां का उसने मिस्टर बी को बुलाया और उसे ये एड्रेस दिया ये वाला एड्रेस दिया और कहा इस एड्रेस पे ये वाला एसी तुझे डिलीवर करना है मिस्टर बी ने कहा कोई बात नहीं हो जाएगा कर देंगे एसी डिलीवर अब क्या हुआ ध्यान से सुनना सुबह से हो गई शाम शाम से आ गई अगली सुबह एसी मिस्टर ए की शॉप पे नहीं पहुंचा एसी नहीं पहुंचा अब मिस्टर ए के घर पे एसी नहीं पहुंचा अब क्या हुआ मिस्टर ए ने कॉल किया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर शॉप पे और पूछा कि भाई आप तो कह रहे थे एक घंटे में एसी डिलीवर हो जाएगा कल सुबह में आया था आज सुबह हो गई चौबीस घंटे हो गए मेरा एसी मुझे नहीं मिला मैं पूरे पैसे दे चुका हूं कमाल करते हो यार तुम लोग मतलब बहुत बुरा भला बोला उसने अब जो मैनेजर है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का वो बोल रहा है कि सर ए तो हम कल ही डिलीवर कर चुके हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको नहीं मिला मिस्टर कह रहा है मुझे कोई एसी वैसी नहीं मिला ठीक है अच्छा आप सुनो अब जब बात पता चली ना तो अब पता क्या चला है सुनो पता क्या चला है कि ना मिस्टर बी ने मिस्टर बी ने ये एसी गलती से गलती से सुनना मेरी बात गलती सेवेंटी फाइव भागीरथीपुरम की जगह 57 भागीरथी भागीरथीपुरम पे बेटा क्या कर दिया था डिलीवर तो मिस्टर बी ने ये एसी बाय मिस्टेक 75 भागीरथी भागीरथीपुरम की जगह 57 भागीरथी भागीरथीपुरम पे क्या कर दिया था डिलीवर और वहां पर 57 नंबर पे बेटा ये जो मानु भाव थे ना ये जो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते थे मिस्टर सी इन्होंने बेटा एसी रख भी लिया बात समझ रहे हो यह है ओनर एट 57 सेवन भागीरथीपुरम ओनर एट 57 सेवन भागीरथीपुरम तो मुझे बताओ मिस्टर बी ने वो एसी गलती से 75 नंबर की जगह कौन से एड्रेस पे डिलीवर कर दिया 57 नंबर पे डिलीवर कर दिया और वहां पर जो पर्सन रहता था मिस्टर सी बिना कुछ पूछे बोले उसने वो एसी रख भी लिया तो यहां पर लिखोगे बेटा बी बाय मिस्टेक डिलीवर्स एसी टू सी तो बी ने गलती से बचे वो ए सी बी की जगह किसको डिलीवर कर दिया बेटा सी को डिलीवर कर दिया मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ अब मुझे एक बात बताओ एक सिंपल बात जेब से पैसा किसकी जेब से गया ए की जेब से गया पूरा थर्टी थाउजेंड और ठंडी हवा के मजे कौन ले रहा है मिस्टर सी तो पहले बताओ फेयर है या नहीं फेयर नहीं है बेटा ये किसके साथ जाति हो रही है मिस्टर ए के साथ बेटा जाती हो रही है पैसा तो गया उसकी जेब से और ठंडी हवा का आनंद मिस्टर सी उठा रहा है तो ये तो सरासर जाती है बेटा जुलम है किसके ऊपर मिस्टर ए के ऊपर अब यहां पर सुनो लॉ ने कदम रखा लॉ ने कदम रखा और लॉ ने कहा तुम मानो सुनो तुम मानो या ना मानो तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है तुम मानो या ना मानो तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है किसके बीच में मिस्टर ए और मिस्टर सी के बीच में क्या एंटर हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर फोर देयर फोर सी इज बाउंड टू रिटर्न ए सी टू मिस्टर ए और सी लायबल है वो एसी मिस्टर ए को लौटाने के लिए क्योंकि लॉ मान के चल रहा है कि आप दोनों के बीच में बेटा क्या एंटर हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट अच्छा रियल सेंस में अगर देखोगे रियल सेंस में बात करोगे अगर मुझसे लॉ की लैंग्वेज में बात करोगे बेटा तो कायदे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये क्यों क्या ए ने ऑफर दिया था क्या सी ने ऑफर की एक्सेप्टेंस दी थी अब जब ऑफर नहीं है एक्सेप्टेंस नहीं है तो बेटा अग्रीमेंट ही नहीं है अब जब अग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सी इज नॉट लाइबल टू रिटर्न ए सी टू मिस्टर ए लेकिन लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरासर जाति होगी किसके साथ मिस्टर ए के साथ, साथ. इसलिए लॉ कहता है आप मानो या ना मानो आप चाहो या ना चाहो आप एक दूसरे को जानते हो या ना हो हम मान के चलेंगे कि आपके बीच में बचे क्या इंटर हो चुका है कोई एक कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के तहत सी इज लाइबल टू रिटर्न ए सी टू मिस्टर ए बात बताओ बात समझ आई बेटा क्लियर हुआ पूरा एक छोटी सी बात और बता दूं आपको इसमें सुनना मेरी बात सुनना पता है होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा ना एक आइडिया देता हूं मुझे एक बार बताओ सुनना ध्यान से पता है ये जो डिलीवरी का चार्जेस होते हैं ना भाई बी ने अपने रिक्शा में ए सी सी के घर पे डिलीवर करा ठीक है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया कायदे में ना कायदे में ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाला है ना ये पता है मिस्टर ए को पहले ही एक बात बोल देगा क्या कि एक बात सुन लो डिलीवरी हम तुम्हारे घर पे करवा देंगे लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा अपनी जेब से बात समझो जो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले ने मिस्टर ए से क्या कह दिया था उसी वक्त कि डिलीवरी का जो भी खर्चा होगा तुम्हारे घर पे ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा होगा वो तुम्हें देना पड़ेगा आउट ऑफ योर ओन पॉकेट कब देना पड़ेगा जब तुम्हें इस एसी की क्या मिलेगी डिलीवरी यानी बी बी जब ये एसी तुम्हारे घर पे छोड़ देगा डिलीवर कर देगा तो उसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे कर देना बात समझ आई सुनना ध्यान से अब मेरे को बताओ अपने आप बताना सोच के अब मुझे ये बताओ बी ने वो एसी किसके घर पे डिलीवर किया सी के घर पे तो बताओ कि उसने ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस किससे लिए होंगे सी से तो सी ने उसे क्या पे करे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सी ने उसे पे करे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सपोज दो सौ रुपए के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करे सी ने बी को सी ने बी को पे करे बेटा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दो सौ रुपए के बात समझ आ रही है सबको अब मेरी, मेरी 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 बात सुनना बेटा ध्यान से अब मुझे एक बार बताओ कायदे में कायदे में ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सी की जेब से थोड़ी ना जाने चाहिए थे कायदे में तो किसकी जेब से जाने चाहिए थे एक की जेब से अब मुझे एक बात बताओ जब सी जब सी ए को एसी लौटाने के लिए लायबल है तो बदले में सी ए से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का रीइंबर्समेंट लेने के लिए भी तो लायबल है ना मतलब बात समझो बेटा हैंड इन हैंड चलता है भाई सी एक हाथ से ए को क्या लौटाएगा ए सी और दूसरे हाथ से वो ए से क्या लेगा बेटा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का रीइंबर्समेंट तो यहां पर मैं लिखूंगा सी इज बाउंड टू रिटर्न ए सी टू मिस्टर ए एंड क्लेम री एम्बर्समेंट एंड क्लेम री एम्बर्समेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड क्लेम री एंबर्समेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो मैं एक बार ना केस समअप कर रहा हूं मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो अब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है सुनो सुनो मुझे बताओ लॉ ने क्या कहा लॉ ने कहा कि हम मानते हैं कि ए और सी में से किसी ने ना कोई ऑफर दिया है ना कोई एक्सेप्टेंस दिया है हम मानते हैं मतलब कोई अग्रीमेंट नहीं है अग्रीमेंट नहीं है मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन 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 हम इसे कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे ऑल दो देर इज नो अग्रीमेंट ऑल दो आप दोनों स्ट्रेंजर्स हो ऑल दोनों ऑल दो आप दोनों का कोई इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का फिर भी हम मान के चलेंगे कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट के तहत सी लायबल है ए को ए सी रिटर्न करने के लिए और ए लायबल है सी को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने के लिए तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा इस टॉपिक में बेटा कवर होता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने बेटा क्या नाम दिया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बात समझ रहे हो सब तो लॉ तो कह रहा है बेटा लॉ कह रहा है कि तुम मानो या ना मानो तुम्हारा इंटेंशन हो ना हो तुम एक दूसरे को जानते हो या ना हो लेकिन हम मान के चलेंगे हम मान के चलेंगे लॉ मान के चलेगा कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सी इज लाइबल टू रिटर्न ए सी टू मिस्टर ए एंड ए इज लाइबल टू री इम्बर्स मिस्टर सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो ये बेटा आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का केस है एग्जाम्पल बेटा फटाफट कॉपी करो बाकी ना मैं आगे इस पर पूरा चैप्टर कराऊंगा और पांच छह केसेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे कॉपी करो फिलहाल ये आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का केस है मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ सबको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉपी कर लो इसे हो गया बेटा सबका अच्छा आओ बेटा अपने एक बार नोट्स पे आओ देखो आओ जरा क्या कह रहा है वो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट तो याद रखना रियल सेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है क्यों क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेटा अग्रीमेंट चाहिए अग्रीमेंट के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस चाहिए लेकिन इस केस में ना कोई पार्टी ऑफर देती है ना कोई पार्टी एक्सेप्टेंस देती है अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का लेकिन लॉ मान के चलता है कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका और ये बेटा उसका एग्जाम्पल आ गया लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू होम समथिंग वॉज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक तो मैं इसके आगे शॉर्ट में लिखूंगा ए वाला एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था अभी जो हमने केस देखा ए एंड सी के बीच बीच में जहां पर सी लाइबल है ए को एसी रिटर्न करने के लिए और ए लायबल है सी को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने के लिए अब बेटा ये जो दूसरा वाला एग्जांपल है ना अभी नहीं करवा रहा हूं ये मैं जब आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का उसमें ये वाला केस पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स तो बेटा फिलहाल के लिए आप इस पॉइंट को छोड़ दोगे बस जो एग्जाम्पल मैंने अभी फिलहाल आपको बताया है बस उसको याद रखना है बताओ बच्चे क्लियर हुआ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सबको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं बेटा अब आओ इस कैटेगरी में आपका फोर्थ बहुत सिंपल सा रोज के हिसाब से इन कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करते हैं देखो क्या कॉन्ट्रैक्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट को हम ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ई कॉम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स इन्हें हम साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं डी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं ईडीआई मींस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज अच्छा और क्या कहते हैं माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स तो पता है मैं ना काफी बातें मैं ना इन वर्ड से समझ गया सुनो काफी बातें मैं समझ गया देखो ई e कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स ई कॉन्ट्रैक्ट्स इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स ई कॉम ई कॉम इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर ई कॉमर्स साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स ईडीआई माउस क्लिक अच्छा माउस क्लिक का मतलब मुझे समझ आता है समवेयर कंप्यूटर इन्वॉल्व है बेटा माउस क्लिक तो कंप्यूटर में ही होगा ना तो समवेयर कंप्यूटर इन्वॉल्व है मतलब बात समझो इलेक्ट्रॉनिक साइबर ई कॉमर्स कंप्यूटर इन्वॉल्व है ईडीआई बेटा मैं ना इससे एक बात क्लियर समझ रहा हूं कि ये पता है कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है ये उन कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जा रही है जो मैं कंप्यूटर के थ्रू एंटर करता हूं यानी देखो यानी देखो ई कॉन्ट्रैक्ट आर दो कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर्ड बिटवीन पार्टीज बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर या मैं बोलू या मैं बोलू ये ऑनलाइन आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो ना बेटा ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से यहां या फॉर दैट मैटर मोबाइल के माध्यम से तो कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से आप जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में बेटा एंटर करते हो ना उन्हें हम ई e कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट मैंने शॉपिंग करी एमेज पे शॉपिंग करी ठीक है मंत्रा पे शॉपिंग करी इसके अलावा मेक माई ट्रिप पे मैंने फ्लाइट की बुकिंग कराई ओयो पे मैंने होटल्स की बुकिंग करवाई यात्रा डॉट कॉम में मैंने टूर एंड पैकेज की बुकिंग करवाई ये सब बेटा आपके क्या है स्विगी जोमैटो पे फूड डिलीवरी की बुकिंग्स करवाई ये बेटा क्या है सब ये है आपके ई e कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर होते हैं कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो जाता है दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट एमेजॉन फ्लाइट टिकट्स की बुकिंग फ्रॉम मेक माई ट्रिप होटल रूम की बुकिंग फ्रॉम ओयो टूअर एंड पैकेजेस की बुकिंग टूअर पैकेजेस की बुकिंग फ्रॉम यात्रा डॉट कॉम ई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जोमैटो स्विगी से फूड डिलीवरी की बुकिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है ई e कॉन्ट्रैक्ट है तो बेटा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आप इलेक्ट्रॉनिकली एंटर कर रहे हो मतलब कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या मैं बोलूं ऑनलाइन आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर रहे हो वो सब आपके बेटा ई e कॉन्ट्रैक्ट्स है ठीक है तो ये बच्चे आपकी ना सेकंड कैटेगरी हमारी कॉन्ट्रैक्ट की खत्म हो गई ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कल से हम शुरू करेंगे आपकी थर्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी टिल देन थैंक यू